व्रत की आज भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम प्रदोष व्रत की आज भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। होती वैसे ही तो प्रदोष व्रत की तिथियां भी होती। हिंदू धर्म में एकादशी दिन हरि को ध्याते हैं, वैसे ही प्रदोष व्रत में शिव गुण गाते हैं। चंद्र दोष इस व्रत को करने से मिट जाता है, व्रत के पुण्य से जीवन का हर पल हर्षाता है। जो भी भक्त इस व्रत को निष्ठा से निभाते हैं, भोलेनाथ जी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्या है विधि इस व्रत की भक्तों आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उठना चाहिए अमृत वेला में भक्तों, स्नान को करना चाहिए। पूजा स्थल की सुबह को कर ले घर की साफ सफाई, गाय के गोबर से मंडप की करते फिर लिपाई। श्वेत वस्त्रों को भक्तों फिर धारण हम करते हैं, पांच रंगों की रंगोली से मंडप बनते हैं। पुष्प और चंदन श्वेत घृत से थाल सजाते, श्वेत मिठाई बेल पत्र धतूरा भांग मंगाते। धूप वस्त्र सब चढ़ा के घृत का दीप जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ध्यान करे पूजा पाठ करके आरती कर गुण गान करे। व्रत दिवस को कोई अन्ना फिर खाना चाहिए, हरे मूंग या फलहार ही भक्तों को करना चाहिए। ग्रह दोष मिट जाते घर में खुशियां छाती है, अन धन घर आता कलियां आंगन खिल जाती है। शिव शंकर का पूजन अति फलदायी बतलाया, मन की मंशा पूरी होती जिसने भी ध्याया। एक कथा है पौराणिक जिसको हम गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पुजारी का रहता परिवार, मांग मांग कर पेट ते भरते चाहे हो कोई वार। पता नहीं है मृत्यु समय जाने कब आ जाए, मोह माया के चलते मानव इसको न जान पाए। एक दिवस फिर तो पुजारी का आया है फिर तो हाल हुआ बेहाल। फिर तो पुजारिन पुत्र को लेकर घर घर जाती है, मांग के भिक्षा पेट गुजारा नित कर पाती है। आगे क्या होता है भक्तों आगे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजकुमार आया, छीन लिया दुष्टों ने राज और उसको भगाया। पिता की मृत्यु के बाद वो भटक रहा दर दर, एक दिन उस पुजारिन को फिर मिला है वो आकर। देख दशा पुजारिन उसको अपने घर लाई, अपने पुत्र के जैसा उसको भी है अपनाई। दोनों सुतों को लेके पुजारिन ऋषि आश्रम आई, शांडिल्य ऋषि ने प्रदोष व्रत की कथा बतलाई। क्या है व्रत की विधि वो ऋषिवर सब समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो घर पर आई है, प्रदोष व्रत को फिर तो पुजारिन जी अपनाई है। एक दिन दोनों पुत्र तो वन में घूमने जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तलक वही वक्त बिताते हैं। पुत्र पुजारी का लौट कर घर आ जाता है, किंतु राजा का पुत्र वही वन में रह जाता है। गंधर्व कन्या अंशुमति को उसने वहां पाया, करने लगा बातें वो घर देरी से फिर आया। राजकुमार दूसरे दिन भी वहीं पे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
देख लिया। मात पिता ने राजकुमार को है पहचान लिया। बोले पिता वे धर्म देश के राजा की संतान, राजकुमार हो तुम, तुम्हारा धर्म गुप्त है ना। फिर तो धर्म गुप्त मात पिता के मन है भाया, मेरी सुता से कर लो शादी उसको बतलाया। शिव कृपा से दोनों की शादी है करवाई, धर्म गुप्त को पाकर अंशुमति है हर्षाई। राजकुमार सेना लेके विदर्भ को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हमला बोल दिया, अपने राज विदर्भ को दुष्टों से है छीन लिया। फिर तो राजकुमार वहां पर रहने लगता है, प्रेम पूर्वक राज राज पर करने लगता है। एक दिन धर्मगुप्त पुजारिन के घर आया है, आदर और सम्मान से महल में उनको लाया है। फिर तो पुजारिन की दरिद्रता सारी दूर हुई, प्रदोष व्रत के पुण्य से सारी मंशा पूर्ण हुई। किया व्रत था सबने, वो सब ही सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पूछ लिया, कौन पुजारिन है ये, उसने पति से प्रश्न किया। धर्मगुप्त ने अंशुमति को सब बतलाया है, पिता की मृत्यु कैसे हुई वो दृश्य बताया है। दर दर भटका ये पुजारिन बनी सहाई थी, जन्म दात्री के बाद से ये तो मेरी माई। व्रत की विधि ऋषिवर से पाई थी, हम सब ने प्रदोष व्रत की विधि अपनाई थी। करी कृपा भोले ने, फिर तो राज्य को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। व्रत ने ख्याति पाई है, अंशुमति ने प्रदोष व्रत की विधि अपनाई है। स्त्री और पुरुष दोनों ही रख सकते उपवास, फलदाई और उत्तम व्रत ये व्रतों में है खास। इस व्रत को करने से रोग दोष न आते हैं, व्रत पुण्य से ग्रह दोष भी तो मिट जाते हैं।
से मानव भक्तों मोक्ष को पाता है। एक नजर कृपा की हो नर भव तर जाता है। शिव ही सुंदर सुंदर लीला सबको दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जाप जो करता है होते शिव प्रसन्न, जलोटा जल का चढ़ाता है। प्रदोष व्रत का महत्व तो जीवन में सुखदाई है, स्त्री और पुरुष दोनों को अति फलदाई है। त्रियोदशी तिथि प्रदोष व्रत जो शिव को समर्पित है, शिव के संग मां गौरा को भाव ये अर्पित है। ब्रजवासी ने आज ये गाथा गा के सुनाई है, मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई है। प्रेम तने शिव सुंदर सत्य है ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत में शिव गौरा दोनों पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रदोष स्तोत्राष्टकम्। प्रदोष व्रत का बड़ा महात्म है। प्रदोष व्रत या प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक, भगवान का पूजन कीर्तन भजन उद्यापन बड़ा ही लाभकारी होता है। प्रदोष के दिन भक्तगण भगवान शंकर के इस प्रदोष स्तोत्र अष्टकम का पाठ करें तो अत्यंत लाभकारी एवं चमत्कारी होता है। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषद हृदयं ब्रवीमि, संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। यो नार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, ये नार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते, जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य, कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोज पूजां, नित्यं प्रविद्ध धन धान्य कलत्र पुत्र, सौभाग्य सम्पदिधिकास्त इहैव लोके। कैलास शैल भुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीं निवेश्य कनकार्चित रत्नपीठे, नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोष समये न भुजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत, पद्मजस्तालो निद्रकरूरमा, भगवती गेय प्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन पटुर्देवाः, समन्तात् स्थिताः, सेवन्ते तमनु प्रदोष समये देवं मृडानीपतिम्। गन्धर्वयक्षपतयोरगसिद्धिसाध्य, विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च, येऽन्ये त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः,
प्राप्ये प्रदोष समये हर पार्श्व संस्था। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योधनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयोनिन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शंकरम्। इति स्कंदपुराणोक्तं प्रदोषस्तोत्राष्टकं संपूर्णम्। भूतभावन भगवान शिव आप सबका सदैव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।
जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अवि